गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भाई याद करो कि लास्ट क्लास में हमने एक तो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज खत्म कर दिया था, पूरा इंडस्ट्रीज तो खत्म कर ही दिया था। इंडस्ट्री कैसी तैसी कर दी थी पूरी। इंडस्ट्री में क्या क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में चार थे, एसैप, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग। कंस्ट्रक्टिंग में याद करो हमने पढ़ा था, फिर हमने रोड्स के बारे में बातचीत करी थी, अच्छी अच्छी रोड्स के बारे में बातचीत करी थी, कौन कहाँ रहता है, उधर हम पहुँचे थे, ठीक है। फिर हमने टर्शरी देखा था, मैंने बोला था टर्शरी इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, एंड दिस इज जनरली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, याद, ठीक है। फिर हम आए थे कॉमर्स पर। कॉमर्स हमने बोला था कि इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं बोलूँ गुड्स पहुँच पाते हैं या सर्विस पहुँच पाती है किसके पास? कंज्यूमर के पास, करेक्ट। फिर हमने देखा था सर कॉमर्स का, देखो मैंने आपको कॉमर्स का एक चार्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे भी थोड़ा। कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है भाई? ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अच्छा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज सिमिलर टू टर्शरी इंडस्ट्री। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज सिमिलर टू टर्शरी इंडस्ट्री, राइट। देख लो वो पांच ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउस और एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ट्रेड दो तरह का, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में दो और, होलसेल और बोलो बोलो रिटेल, ठीक है। और एक्सटर्नल में तीन, इंपोर्ट, वेरी गुड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सर एंड रिपोर्ट। चलो, हमने लास्ट क्लास में इसी को डिस्कस किया था पहले, तो पहले इसी को खत्म करते हैं, ठीक है। कॉमर्स की ये पांच चीजों को और उनको बाद में देखेंगे कि कॉमर्स क्या क्या को कमी पेशी दूर करता है इस, क्योंकि लास्ट क्लास हमने यही पढ़ा था, तो पहले इसको खत्म करते हैं पूरा, पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं व्हाट इज ट्रेड। तो देखो पहले इसमें लिख रखा है कॉमर्स के अंदर दो एक्टिविटीज आती हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड, बट देर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑमनिशन, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग एंड वेयरहाउस। कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड्स बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स दैट आर ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरीज सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। अब ये जो चीज़ें हैं इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ट्रेड बहुत ढंग से किया था तो समझा था ऊपर ऊपर से, आज ट्रेड को पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। पहले उसको नक्की करते हैं, ठीक है। आ जाओ, ट्रेड, ट्रेड क्या है भाई? सर ऑब्वियसली इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूजर्स। दीज डेज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स टू देमसेल्व्स रीच आउट टू इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। भाई ऑब्वियसली हमने याद करो जब इंडस्ट्री पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बोला था कि इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए भी ट्रेड चाहिए, क्योंकि वो बना तो लेंगे ना, समझो ना, आपने भैया अलग लेवल पे, अलग लेवल पे बहुत चीज़ें कर दी, बना दी, लेकिन उसको बेचने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। सपोज करो क्रिश बाद में बहुत ज़बरदस्त वो बन गया गिटारिस्ट, बहुत अलग लेवल पे बन गया, मान लो इसके बिल वो बिल बोर्ड्स पे इसके कंपोजिशंस आ रहे हैं इस लेवल का, एशिया के चार्ट टॉप कर रहा है ये, तो ये खुद तो ना बेच पाएगा नहीं ना, इसको भी तो फिर लोग चाहिए होंगे तो इसको बेचेंगे। तो वैसे ही सेम गोइंग बाय दैट लॉजिक कि इंडस्ट्री में मैंने भले गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, और आजकल तो वैसे भी लार्ज क्वांटिटी पे होता है क्योंकि किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, ना पैसे की ना किसी चीज़ की, बन ईजी जाता है तो बन जाएगा, लेकिन बेचोगे कैसे? मेन रिक्वायरमेंट तो बेचना है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए मेन रिक्वायरमेंट तो बेचना है, तो उसके लिए सारी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड में आ जाती है। ट्रेड की वजह से
बिजनेस सर्वाइव करते हैं. बिजनेसमैन आर एंगेजमेंट इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स. अच्छा, और ये जो बिजनेसमैन जो ट्रेडिंग वाला काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रेडर्स. ठीक है, अब देखो, अब ट्रेडर में आप क्या कर, अगर होलसेल में करते हो तो आपको कहते हैं होलसेलर, रिटेल में करते हो तो आपको कहते हैं रिटेलर. करेक्ट, ये आपने टर्मिनोलॉजी सुनी भी होगी कि अगर जो बिजनेस जो लोग इसमें बिजनेस करते हैं ट्रेड में उनको ट्रेडर्स कहते हैं, जो होलसेल में करेगा उसको होलसेलर, जो रिटेल में करेगा उसको रिटेलर. जी क्रिश, 4 रिलीज भी होने वाली है अभी, आया क्रिश 4 का अनाउंसमेंट आ रहा है. हाँ स्टॉक ट्रेडर भी तो यही करता है. देख स्टॉक ट्रेडर भी तो क्या करता है, खरीदता बेचता ही तो है. स्टॉक में जो ट्रेडिंग कर रहा है वो स्टॉक के अंदर खरीद रहा है बेच रहा है तो कर तो वो भी बाइंग सेलिंग ही कर रहा है ना. शेयर सस्ते में खरीदता है महंगे में बेचता है. ट्रेड में भी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अच्छा, इंटरनल का और क्या नाम है? इंटरनल को हम कहते हैं और डोमेस्टिक ट्रेड, इनलैंड ट्रेड और होम ट्रेड. कॉपी कर लेना ये, टीप लेना इस बात को. डोमेस्टिक और होम ट्रेड इज कंसर्न विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अनलाइन करो, लास्ट क्लास में लिखा भी था, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. ठीक है, मैं अजमेर में रहता हूँ, मैंने पुडुचेरी में कुछ माल बेचा तो वो कौन से ट्रेड में आएगा? इंटरनल एक्सटर्नल? एक्सटर्नल. मयंक ने बोला एक्सटर्नल. समाक्ष, रुक जा तू, रुक जा. भावार्थ, भावार्थ कह रहा है इंटरनल. नीरज, एक सेकंड वापस बोल, थोड़ा तेज बोल. इंटरनल. क्रिस, क्रिस है ना, गूगल करने गया है कि पुडुचेरी किधर है. क्रिस गूगल करने गया है वीडियो बंद करके कि पुडुचेरी किधर है. हाँ समाक्ष, अगर मैं अजमेर में रहता हूँ, सुन समाक्ष, और मैंने पुडुचेरी माल बेचा तो ये इंटरनल ट्रेड हुआ एक्सटर्नल हुआ? इंटरनल हुआ. ठीक है क्रिश भरवानी जी, गायब हो गए आप. क्या क्या तू तू ये क्रिश कह रहा है एक्सटर्नल होगा है ना? तुम्हारा ज्योग्राफी का टीचर सुसाइड कर लेगा ये बात सुन के कि पुडुचेरी इंडिया के बाहर कैसे पहुंच गया. भाई इंडिया की देखो, सुनो 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 सुनो, अभी हमने क्या बोला कि इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड है विच इज डन विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, मतलब देश की सीमाओं के विदिन जो ट्रेड होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड. अब जब पुंडुचेरी या पौंडीचेरी कुछ भी बोल लो इज अ पार्ट ऑफ इंडिया और अजमेर भी इंडिया का पार्ट है तो ये विदिन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ही हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? इंटरनल. करेक्ट जी. अब मैंने अजमेर से त्रिपुरा माल बेचा, त्रिपुरा ये कौन सा हुआ? रुक जाओ, रेज हैंड. ये तो मतलब मजा आ रहा है, मतलब बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सी जगह कहां पर है, तो ये तो बिजनेस स्टडीज का थोड़ी जियोग्राफी का क्वेश्चन भी बन गया है. भवार से पूछेंगे क्योंकि उसके चेहरे से वो कंफ्यूज लग रहा है. शायद ऐसे नहीं, ज्योग्राफी टीचर वांट्स टू नो योर लोकेशन. हाँ नीरज, नीरज इंटरनल, बाकी तीनों भी इंटरनल कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कह दो. हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट. त्रिपुरा इज इन इंडिया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ठीक है फ्री है, ठीक है समझे क्या सब? दैट इज व्हाट इंटरनल ट्रेड. अच्छा अब मान लो त्रिपुरा से मुझे कोई बेच रहा है तो वो भी इंटरनली कहलाएगा.
इंटरनल का मेन बात क्या है, ये जो भी ट्रेड हो रहा है, देखो ना नाम, तभी तो इसको डोमेस्टिक या इनलैंड या होम ट्रेड बोला। क्यों बोला? क्योंकि इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है। सपोज करो कोई पाकिस्तान का सिटीजन है, रावलपिंडी से लाहौर बेचा, रावलपिंडी से लाहौर भेजा, वो उसके लिए इंटरनल हुआ एक्सटर्नल हुआ? क्या क्या? सेफ सेफ खेल गए, चलो। हाँ, करेक्ट करेक्ट, इंटरनल, करेक्ट करेक्ट, इंटरनल। अच्छा सुनो, रावलपिंडी से उन्होंने कश्मीर भेजा। अब ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया, बहुत भयंकर वाला। कैसे बोले सर, बजर क्रिश क्रिश सर, ये दोनों होगा भाई। देखो इसका आंसर मैं दूंगा ही नहीं, इसका आंसर मैं देना ही नहीं चाहता, बहुत रिस्की क्वेश्चन है ये। हाँ चलो ठीक है ठीक है, जान प्यारी है हमें, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है भाई, ये आंसर कृष ने दिया था। ठीक है, अब इसको यूट्यूब पे डाल देंगे तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है चलो चलो आ जाओ। ठीक है, डोमेस्टिक और होम ट्रेड ये हमने पढ़ा। अच्छा ये अब और कैसे हो सकता है सर, ये होलसेल और रिटेल, इंटरनल दो तरीके से हो सकता है, होलसेल या रिटेल। होलसेल ट्रेड क्या है सर? होलसेल ट्रेड ये है कि जब आप खरीद रहे हो किसके अंदर या बेच रहे हो किसके अंदर, बल्क क्वांटिटीज में। दैट इज होलसेल ट्रेड। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन बल्क क्वांटिटीज, इट इज रेफर्ड टू एज होलसेल ट्रेड। एक समझो ना, और एक बात होती है, होलसेलर जो होता है ना, वो जनरली उसकी दुकान पर आपको दो तीन चीजें ही मिलेगी, क्योंकि वो बल्क में डील करता है। रिटेलर कौन है? समझो, रिटेलर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोविजन स्टोर। इधर आपको सारी चीजें मिलती है ना, बहुत तरह तरह की। लेकिन अब जो मान लो मैगी का होलसेलर है, तो उसके पास केवल मैगी मिलेगी और दो तीन प्रोडक्ट और मिलेंगे, इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन जो रिटेलर है उसको उधर मैगी भी मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा, चॉकलेट बिस्किट भी मिलेंगे, चॉकलेट्स भी मिलेंगी, चिप्स भी मिलेंगे। ठीक है क्या, समझा क्या? लेकिन अब एक बात समझो, अब आप रिटेल एक समझना है इसमें और इसमें, एक का ही डिफरेंस है। यहाँ पर बल्क में होता है मतलब बहुत ज़्यादा, रिटेल में मतलब स्मॉल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल समझना कहने का मतलब क्या, यहाँ पर आप मैगी के होलसेलर के पास जाओगे, उसको बोलोगे भैया एक मैगी दे दो, ऐसे आएगा मारने आपको जिसकी हद नहीं, कि बोले एक मैगी बेचने में बैठा हूं यहां पे मैं। वही मैं कह रहा हूं करेक्ट क्या? हाँ, और रिटेल में क्या है भाई, रिटेल की दुकान पे एक मैगी भी लेंगे ना, या एक मैं बोलूं पार्ले की वो किसमी टॉफी भी लेके आऊं जो 25 पैसे की होती है, वो भी दे देगा मुझे खुशी खुशी, करेक्ट क्या? हाँ, पर अब आप बोलो इधर सर मैं और खरीदना चाहूं, तो इधर इसके पास जितना स्टॉक है खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, वो खुशी खुशी देगा, ले जा। लेकिन जनरली रिटेल में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटीज। करेक्ट करेक्ट, ठीक है आ जाओ। When goods are purchased and sold in bulk quantities, referred as wholesale. When goods are purchased and small sold in relative, comparatively smaller quantities for final consumption, it is referred to as retail trade. अच्छा एक बात समझा, wholesale में generally जरूरी नहीं है final consumption हो, मतलब जो इंसान खरीद रहा है वही उसको use करे, जरूरी नहीं है। Wholesaler से retailer खरीदता है ना, correct? लेकिन रिटेलर से जनरली जो खरीदता है वो जनरली उसको फाइनल कंजम्पशन कहता है, मतलब उसको बेचते नहीं है। एक सेकंड वापस बोल।
देखो देखो, कस्टमर और एक कंज्यूमर का मत डिफरेंस समझो। एक तो कस्टमर वो होता है जो किसी से खरीद रहा है, वो आगे बेच भी सकता है, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है? जो उसको खरीद कर कंज्यूम कर रहा है। शाबाश, 10 points टू ग्रिफिंडोर। चलो आ जाओ, ठीक है। हैरी पॉटर देखी तुम में से किसी ने? दोनों देखी, मेरे को ऐसा लगा दो के रिएक्शन से तो ऐसा समझ आया कि देखी है। सही है, ठीक है। चलो आओ, हाँ, पूछ पूछ। एक सेकंड रुक, बोल। वो देखो, एक तो पहली बात, वहां बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई भाई, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं बची ना, वो तो उसने खुद के लिए कंज्यूम कर लिया। एक तो ये चीज, और उसका जो वो एक तरीके से उसका कंज्यूमर हो गया फिर। करेक्ट, ठीक है, आ जाओ। अच्छा एक चीज लिख लेना उधर, कि होलसेल जो करता है उसको हम बिजनेसमैन को कहते हैं होलसेलर, और जो रिटेल करता है उसको हम कहते हैं रिटेलर। करेक्ट, चलो आओ। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या है भाई? सर एक्सटर्नल को हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं, कॉपी कर लेना ये बात, फॉरेन ट्रेड कहते हैं। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज। कहने का मतलब कि यहां पर सर दो या उससे ज्यादा देश इन्वॉल्व हैं। और एक बात समझना, इसी चक्कर में एक्सटर्नल ट्रेड में है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा हैं भाई। एक इंडिया के अंदर आप चीजें बेच रहे हो, खरीद रहे हो, रूल्स उधर भी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली एक्सटर्नल ट्रेड में रूल्स ज्यादा हैं, रूल्स रेगुलेशन ज्यादा हैं। कोई बता सकता है क्यों? क्रिस, ठीक, ये तो एक है ही बात, ये तो एक बात है ही, एक बिल्कुल कॉमन सी बात है। इधर रुक जा, रुक जा। मयंक, करेक्ट। अच्छा देखो, सबसे सीधी सी बात देखो भैया, आप यहां पे है ना देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक तरीके से। सपोज करो मैंने क्रिश, मैं वो भवार्थ अपना होलोलुलु रहता था। अरे ये अन्ना वे के पीछे, अरे ठीक है, हाँ। तो क्या कहते हैं, मान लो ये भवार्थ होनोलुलु रहता था, अब होनोलुलु से हमारे को इसने माल बेचा और वो माल खराब आया, हम सीधा ये क्या इमेज, क्या इंप्रेशन लगाएंगे? क्या लगाएंगे बोलो? हाँ करेक्ट, करेक्ट, क्या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसी चक्कर में यहाँ है भाई, देश का सवाल आ गया यहाँ पे। और प्लस एक समझो, रूल्स रेगुलेशंस और स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे माल जा रहा है, तो भैया स्मगलिंग भी तो हो सकती है, गलत चीज भी तो आ सकती है। प्लस उधर का मार्केट हमारे इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट की भी ऐसी तैसी कर सकता है भाई। चाइना से क्या दिक्कत होती है? यही तो दिक्कत है ना, कि हमारे यहाँ के लोग चाइना वालों को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, मेक इन इंडिया क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग खरीद ही नहीं रहे फिर चाइना से जो आ रहे हैं, तो
तो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर हैम्पर हो रहा है भाई, हो रहा है ना। सपोज करो मयंक कोई चीज बनाता है 100 रुपए की, भावार्थ लेके आ गया चाइना से, नहीं सॉरी समाक्ष लेके आ गया चाइना से 80 रुपए में बेच रहा है, तो भाई देशभक्ति तो है मेरे पे, देशभक्ति तो है मेरे में, लेकिन पैसे चाहिए तो मैं ऑब्वियसली समाक्ष से खरीदूंगा ना, अगर सेम क्वालिटी में मिल रहा है तो। भाई इस चक्कर में भी देश वगैरह सब देखते हैं कि इसे से दूसरी कंट्री ऐसे हमारी कंट्री पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा नेगेटिव। क्या करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ ठीक है पढ़े, हाँ समाक्ष करें पूछा। कस्टम ड्यूटी क्यों लगती है? देख एक मैं तेरे को ये बहुत ढंग से समझाऊंगा बात, एक बार ये पढ़ ले फिर हम कस्टम ड्यूटी पे बंद करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आया, अच्छा क्वेश्चन लग के आ जाओ। देखो पहले पढ़ते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के उधर लिख लेना फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं और दो और कंट्रीज होते हैं। अब याद करो इसमें ये तीन तरीके से हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट। इंपोर्ट, इंपोर्ट में क्या हो रहा है, एक कंट्री होती है जिसको हम कहते हैं होम कंट्री, जैसे इंडिया में मैं रहता हूं तो मेरी होम कंट्री क्या हो गई, इंडिया। इसके अलावा जो भी सारी कंट्री है इस दुनिया में वो सारी हमारे लिए क्या हो गई, फॉरेन कंट्रीज। करेक्ट भाई, तभी तो बोलते हैं ना फॉरेन गया लड़का घूमने, इंडिया के बाहर रखते ही बोलते हैं ना फॉरेन गया घूमने। करेक्ट क्या, अब बात समझो, अगर यहां से आप यहां लेके आ रहे हो, हम इंडिया के एग्जांपल से समझेंगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के हिसाब से समझेंगे। तो अगर आप वो ही देखो, भवार्थ ने कोई माल हमारे को इंडिया में भेजा या मैंने भवार्थ से कोई माल खरीदा और इंडिया के अंदर आया तो उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, अगर मैं बाहर कंट्री को बेच रहा हूं, होनोलुलु में भवार्थ को बेच रहा हूं, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट। ये है वन, मतलब बाय वाला सीन है इंपोर्ट, बेचने वाला है एक्सपोर्ट। अब मतलब मान लो, अब तीसरा सीन देखो, वकांडा में वाइब्रेनियम मिलता है पता है ना आप लोगों को, ठीक है? तो मैंने क्या किया, वकांडा से इंडिया के अंदर इंपोर्ट करवाया और ये फिर होनोलुलु में बेच दिया, दिस इज व्हाट, एंट्री पोर्ट। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनादर कंट्री, अनादर कंट्री को हम बोलते हैं यहां पे फॉरेन कंट्री, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड, अंडरलाइन कर लो। इफ दे आर सोल्ड टू फॉरेन कंट्रीज इट इज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड। अब तीसरी बात बोली, एक जगह से आलू ला रहे हैं और उसको सोने के भाव में बेच रहे हैं, तो व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज इट इज नोन एज इंट्राबोर्ड ट्रेड। ये तीनों चीजें आप एक बार लाइनें कॉपी कर लो, फिर हम इस पर कस्टम वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कॉपी हो जाए तो बताना,
हुआ क्या? अब जल्दी आओ, एक हमारे कोर्स में ये बात नहीं है लेकिन हमें समझना जरूरी है। देखो अभी एक बात देखो, कृष्ण ने बोली थी, कृष्ण ने एक बात क्या बोली थी कि सर हर कंट्री में रूल्स अलग हो सकते हैं, हर कंट्री में रेगुलेशन अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो इससे एक बात मैं बोल सकता हूँ क्या, हर कंट्री में टैक्स अलग होगा, किसी कंट्री में टैक्स कम हो सकता है, किसी कंट्री में टैक्स ज्यादा हो सकता है, करेक्ट। अब समझो एक बात, समझो इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उस पर एक्साइज लगता है, ठीक है। इंडिया के अंदर कोई भी चीज बनती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स, समझे। मतलब मान लो इंडिया के अंदर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो 100 रुपए का है, उस पर 10% की एक्साइज ड्यूटी लगती है और उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है 110। मतलब इस पर बेचते हो आप, समझो कॉस्ट, टैक्स, फिर ये सब मिलकर इसकी सेल प्राइस आ जाती है। अब मैं बोलूं इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस पर 10% का टैक्स लगेगा ही लगेगा। और अब अच्छा एक मैं आपको बस बेसिक समझा रहा हूँ, प्रोडक्ट के हिसाब से टैक्स लगता है, हम एक बेसिक समझ रहे हैं, अजम्पशन मार के चल रहे हैं। अब समझो ये तो इंडिया का खेल है, अब मान लो कोई कंट्री, मान लो बहामास, बहामास एक कंट्री है ना शायद, है ना बहामास कंट्री, ए यार तुमसे क्या पूछा, तुम तो पुंडिचेरी को इंडिया में नहीं मान रहे थे, रुको आज ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं। अब मान लो ये जो चीज ऑस्ट्रेलिया में बनती है ये 100 रुपए की बनती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टैक्स है वो मान लो 5% है केवल, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टैक्स लगता है ना वो 5% लगता है केवल, तो ऑस्ट्रेलिया की वो क्या प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस 105, और वही चीज आप कितने में बेच पाते हो, 110, ठीक है। अब एक बात समझना, अब ये बात अगर मुझे पता चल गई मैं क्या करूंगा, मयंक मान लो ये मयंक बनाता है ये प्रोडक्ट, अब मुझे पता चला मयंक बना रहा है और उसकी 110 कॉस्ट आ रही है टैक्स वैक्स लगा के, और ऑस्ट्रेलिया में यही चीज 105 में लगाते हैं, तो मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा ये चीज लेके आ जाऊंगा और 105 में बेचूंगा। और मैंने आपको अभी एक बात बोली थी, देशभक्ति अच्छी चीज है लेकिन पैसे के आगे। फिर कोई भी इंसान मुझे बताओ मयंक की चीज खरीदेगा क्या? चलो मयंक खुद भी नहीं खरीदेगा घर के लिए, वो भी बोलेगा ना 5 रुपए बचाऊं। अब देखो ये एक अनफेयर हो जाता, जो डोमेस्टिक वाले लोग हैं, डोमेस्टिक बिजनेसमैन हैं या जो डोमेस्टिक हमारे प्रोडक्ट हैं उनके लिए अनफेयर हो जाता। इसीलिए सुनना, इसीलिए कस्टम ड्यूटी इंट्रोड्यूस हुई। क्या इंट्रोड्यूस हुई? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है? एक टैक्स है जो जब हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं बाहर से इंडिया के अंदर उस पर लगता है। अब समझना, आपने सुना होगा कितनी बार कि यार आपका कोई भाई या कोई रिलेटिव यूएसए से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, तो उससे आप आईफोन मंगवा लेते हो। क्यों मंगवाते हो? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। अच्छा तो अब देखो, लेकिन इसके भी रूल्स हैं कि आप सपोज करो आप दुबई गए, दुबई से अगर आप इंडिया आ रहे हो ना तो आप इंडिविजुअली एक लेके आ सकते हो खुद के लिए, या दो लेके आ सकते हो खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए, रूल्स हैं इसके। लेकिन अगर उससे ज्यादा आप लाते हो तो कस्टम ड्यूटी लग जाती है, जिससे इंडिया के अंदर जो लोग आईफोन बेच रहे हैं उनकी ऐसी तैसी ना हो जाए। यही होता था पहले, सुनो पहले के टाइम पे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस लेवल पे करते थे कि टीवीज भी बाहर से आते थे घर में लोगों के, कि भाई मान लो इंडिया के अंदर टीवी मिल रहा है 50,000 में, लोग बाग बैंकॉक जाते थे और वो इंडिया के अंदर 40,000 में ले आते थे,
दुबई जाते थे सोना ले आते हैं, ये या टीवी ले आते थे, तो इसीलिए ये कस्टम ड्यूटी इंट्रोड्यूस हुई, जिससे कि भाई ये जो बाहर से जो भी चीज़ आ रही ना उस पर टैक्स इतना इक्वल लगे कि हमारे डोमेस्टिक वाले को इम्पैक्ट ना हो। समझा क्या समक्ष? वो हर चीज पर रूल्स हैं, बैगेज रूल्स कहते हैं, वो तेरे कोर्स में नहीं, तू बहुत ज्यादा हो जाएगा मतलब वो, ठीक है? लेकिन पॉइंट समझा मेरा क्या है कि क्यों, जिससे इंडिया वालों की ऐसी तैसी ना हो, हमारे इंडियन मार्केट की ऐसी तैसी ना हो, इसलिए कस्टम ड्यूटी आई, जिससे वो हमारे प्रोडक्ट्स के बराबर टैक्स पे आ जाए। अब हर तरह के प्रोडक्ट हर तरह के बिजनेसेस पे अलग अलग है। हाँ पूछ पूछ, बोलना बोल। तो भाई तो इससे फिर अगर मैंने खूब तरक्की करी, एक कंट्री ने खूब तरक्की करी एक जमाने में, तो वो दूसरी कंट्री में से बराबर पे क्यों है अगर इसने तरक्की नहीं करी है? तो ये वही वाला कंसेप्ट हो गया ना सर, हर क्लास में हर बच्चे का रैंक फर्स्ट क्यों नहीं आता? भाई वो तो हर कंट्री के रिसोर्सेज अलग है। अगर एक कंट्री में कोई चीज सस्ते में बन रही है 20 रुपए में, तो फिर वो क्यों बेचेगा महंगे पर? हर जगह का इन्फ्लेशन अलग है, हर जगह की लेबर कॉस्ट अलग है। जैसे इंडिया के अंदर लेबर बहुत चीप है, क्यों है? जनसंख्या इतनी कम है हमारी, इसलिए। ठीक है क्या? लेकिन अगर आप अमेरिका यूएसए जाओगे तो वहां लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है। वो क्यों है? क्योंकि हर जगह के रिसोर्सेज हर जगह के अवेलेबल है। और हर जगह की बराबर क्यों नहीं बेचते? क्योंकि हर जगह की गवर्नमेंट के टैक्सेशन अलग है। ठीक है, अच्छा भाई, ये जो बाद में भी आप लोग कोई देखो तो ये लास्ट 10 मिनट का हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमने समझने के लिए की, बाद में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो तो भाई आज हम इतना ही करेंगे, कल और करेंगे, कल ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को निपटाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, कल हम फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।